भारत के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू CMIE जनवरी 2024 के अंदर बेरोजगारी की जो परसेंटेज थी वो थी 6.8%, वहीं फरवरी 2024 में बढ़ के हो जाती है सीधा 8%। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से 3000 इंजीनियर्स एक पुणे की कंपनी के सामने खड़े हैं इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन क्यों अगर इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और क्यों सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, आइए जानते हैं। उनमें भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, द फियर टू हायर फ्रेचर यानी फैमिली लॉकडाउन में देश लाख रोजी की नौकरियां। साल 2016 में प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया जहां पे पता लगा कि 18.6 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर बेरोजगार बैठे हैं, वहीं पे 393.7 मिलियन पीपल्स पुअर क्वालिटी की जॉब कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को तो जॉब्स नहीं मिल रही, लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब्स हैं उनको ये डर रहता है कहीं ना कहीं कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरे को ये लोग कंपनी से निकाल दे वो भी बिना बताए। अब यहाँ इस आर्टिकल पर नजर डालिए, 37,000 लोगों को ले ऑफ किया गया 2022 तक। कोविड की फर्स्ट वेव में 2.3 मिलियन लोगों की जॉब गई, वहीं पे कोविड की सेकंड वेव में 10 मिलियन लोगों की जॉब गई। अब कहने को तो इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन क्या फायदा इस इकोनॉमी का जो अपने ही लोगों को जॉब्स नहीं दिला पाए। लेकिन आखिर गलती किसकी है, उन स्टूडेंट्स की जो जॉब नहीं ले पा रहे हैं या फिर उन कॉलेजेस की जिनसे वो पढ़ के पास आउट हो रहे हैं? तो यहाँ पर मैं सीधे और साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, गलती दोनों की है। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेजेस की। इंडिया के अंदर 27,000 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, यहाँ तक कि वो कॉलेज गवर्नमेंट वेरीफाइड भी नहीं है और अप्रूव्ड भी नहीं है, उनके पास कोई मान्यता नहीं है। वो एक दूसरे से लिंक कर करके अपने कॉलेजेस चला रहे हैं। उन कॉलेजेस के अंदर ना तो पूरा स्टाफ है और ना ही अच्छी फैसिलिटी है, ना ही बैठने के लिए अच्छी जगह है और ना ही वहाँ का एनवायरनमेंट या फिर वहाँ के रूल्स वगैरह जो अच्छे हैं। अब ऐसे कॉलेज से डिग्री जब लोगे तो जॉब्स भी तो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगी, क्या पता ना भी मिले। इस आर्टिकल के हिसाब से 94% इंजीनियर्स इंडस्ट्री रेडी नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री रेडी करना किसका काम है? ऑफकोर्स कॉलेजेस का ही काम है, लेकिन कॉलेजेस ऐसा करते कहाँ हैं? जब फीस लेने की बात आती है तो कॉलेज ऐसे लंबे लंबे हाथ फैला देते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटी है, हमारे पास वो फैसिलिटी है, हमारे पास ये है वो है। लेकिन जब बात आती है प्लेसमेंट की तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। इस आर्टिकल को देखिए, पिछले 2 सालों में मेडिकल कॉलेज की फीस 30,000 से लेके 1 करोड़ हो चुकी है, वहीं पे एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 5 से 6 लाख रुपए है। अब कहाँ तक एक मिडिल क्लास बंदा 1 करोड़ रुपए दे और कहाँ तक एक मिडिल क्लास बंदा जिसका सपना है इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनने का वो इतनी इतनी फीस भरे। USA 16 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हर साल 1 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहीं पे इंडिया 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। तो सोच के देखो जॉब्स कहाँ मिलेंगी। अब एक और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ और वो है स्कैम्स। अब इंडिया के अंदर इतने सारे स्कैम्स भरे पड़े हैं, यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम में भी इतने सारे स्कैम्स हैं। लेकिन जब बात आती है डिग्री देने की या फिर जॉब्स की तो यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही स्कैमर्स हैं। अब एक टीचर पैसे लेके डिग्री देता है फेक के किसी भी बच्चे को और उसी डिग्री को एक बच्चा खरीदता है, तो इसका मतलब क्या होगा? टीचर और स्टूडेंट दोनों ही स्कैमर्स हैं। एक ने स्कैम किया रूल्स के साथ, सिस्टम के साथ, और एक ने स्कैम किया अपने ही फ्यूचर के साथ, जबकि वो भली भांति ये चीज जानता है कि ये डिग्री मेरे आगे कहीं काम नहीं आने वाली क्योंकि इस डिग्री के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं। और इसको हम कहते हैं करप्शन इन एजुकेशन। अब यहाँ इस आर्टिकल को देखिए कि किस तरीके से PhD की डिग्री देने के लिए रिश्वत मांगी गई, मतलब किस हद तक स्कैम्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ पे एक और बड़े पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ और वो पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड सिस्टम। अब जैसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्टर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या हिट होता है? हमारे दिमाग में हिट होता है एक कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसने घर का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, किसी बिल्डिंग का लिया होगा, किसी रोड का लिया होगा, किसी ब्रिज का लिया होगा। लेकिन नहीं, आज के लिए कॉन्ट्रैक्टर सरकारी जॉब्स में भी पाए जाते हैं और प्राइवेट जॉब्स में तो भर भर के पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड सिस्टम के अंदर जितने भी लोग नौकरियां करते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते, उनकी जॉब कभी सिक्योर नहीं हो पाती है। ये खासकर मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड सिस्टम में आपको एक लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि एक एम्प्लॉय की तरह। लेकिन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि किस तरीके से टीचर्स रिश्वत लेकर डिग्री देते हैं, तो
तो वो डिग्री कौन खरीदता है? ऑब्वियसली बात है, वो डिग्री कोई बाहर से तो बंदा आएगा नहीं खरीदने के लिए। जो स्टूडेंट हैं उस कॉलेज के या फिर आसपास के, वही उन डिग्रीज को खरीदते हैं। जब उन डिग्रीज को लेने के बाद उनको जॉब से मिलती तो वो टारगेट करते हैं सिस्टम को कि सिस्टम ही बेकार है, ये चीज खराब है, इसमें कमी है, हमें जॉब्स नहीं मिल रही। तुमने क्या किया है पहले तो ये देखो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रेगुलर बेस पे कॉलेज जाते हैं, रेगुलर बेस पे पढ़ाई करते हैं, उनके अटेंडेंस पूरी होती है, मार्क्स भी उनके अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। तो वहाँ पे जो सीधी सीधी गलती है वो सिस्टम की है, वहाँ पे जो सीधी सीधी गलती है वो कॉलेज की है, क्योंकि कॉलेज उनको इंडस्ट्री रेडी नहीं कर रहा है। कोई भी कॉलेज अपने स्टूडेंट को ये नहीं सिखाता है कि इस तरीके से इंटरव्यू क्रैक किया जाता है या फिर इस तरीके से इंडस्ट्री लेवल पे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम सब की गलतियों की वजह से ही आज ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम कर रही हैं। अगर हम पहले ही स्ट्रिक्ट होते इन सब चीज़ों के बारे में तो आज शायद ये सिस्टम ऐसा नहीं रहता। लेकिन अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन हो सकता है प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशंस को कोलैबोरेट करना चाहिए इंडस्ट्रीज के साथ में, ताकि फ्रेशर्स जितने भी बच्चे हैं उनको इंडस्ट्री रेडी किया जा सके और नई स्किल्स सिखाई जा सके। इसका दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी इंडिया के अंदर, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया के अंदर, उतने ही बड़े लेवल पे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, उतने ही बड़े लेवल पे जॉब क्रिएशन होगी। इसका थर्ड सॉल्यूशन हो सकता है रिड्यूसिंग द सिलेबस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिड्यूसिंग द सिलेबस मतलब कि सिलेबस को कम करके किस तरीके से जॉब क्रिएशन बढ़ाई जा सकती है। तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, इस वीडियो में किस तरीके से APJ अब्दुल कलाम ने ये चीज़ बहुत क्लियरली समझाई है। 9th class, 10th class, 11th class, 12th class, you reduce the 25% of syllabus. You reduce the 25% of regular syllabus and then introduce professional courses, yes, skill training. So, when the student comes out of the school, high school, he comes with the 2 certificates. One is that he is qualified 10+2. Another certificate, he has got a skill certificate. Imagine. Okay? He is employable. Same thing for colleges. There also, he studies for 4 years graduation. I am saying you reduce 1 year. Make it 3-year course. 1 year, give them expertise. So he will come with the degree and the diploma of expertise. Okay. इसका एक और लास्ट सॉल्यूशन हो सकता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है AI जॉब क्रिएशन। यूज द टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग जॉब्स फॉर अपकमिंग फ्यूचर एंड एडिंग न्यू सिलेबस टू द कॉलेजेस अबाउट AI, टेक एंड मेनी मोर थिंग्स। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकता हूँ कि सही में कॉलेजेस के अंदर सिलेबस बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक ही सिलेबस को साल साल तक चलाएंगे तो वही सेम चीज़ पहले पढ़ी थी एक बच्चे ने, वही सेम चीज़ अगले साल ही वही बच्चा पढ़ेगा, और उससे अगले साल एक और नया बच्चा आएगा वो भी वही सेम चीज़ पढ़ेगा। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ है? इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉरेन कंट्रीज में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं या फिर वो इंडिया से जितने बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं वो वहाँ पे कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, कह के जाएंगे कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन कहीं बाहर दोस्तों के साथ बंक मारने चले गए, कहीं मूवी देखने चले गए, कॉलेज में अटेंडेंस कम है तो टीचर्स को पैसे दे के अटेंडेंस फुल करवा दी। टीचर्स भी तो ऐसे हैं कि वो पैसे लेके अटेंडेंस फुल कर देते हैं। हमारा ध्यान इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहता है, हम लोग शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा तो पैसे देके एक नई मार्कशीट ले ली, पैसे देके एक डिग्री खरीद ली। वैसे तो सरकार कहती है कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बहुत जल्दी हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस ऐसी इकोनॉमी का जो जॉब्स ही ना दिला पाए? क्या फ़ायदा ऐसी इकोनॉमी का जिसके सारे के सारे युवा बेरोजगार बैठे हैं? इसको वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बल्कि इसको वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट बेरोजगार इकोनॉमी डिक्लेयर कर देना चाहिए। एजुकेशन में इतने सारे स्कैम्स हैं कि गिनते गिनते दिमाग खराब हो जाए, जॉब्स में इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं गिनते गिनते दिमाग खराब हो जाए, बैंक्स में इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, कॉल्स में इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, सब जगह फ्रॉड ही फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। बस हमको तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है, उसके बाद 3rd बनानी है, उसके बाद नंबर 1 पे आ जाना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक फुल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और कितनी ही बातों से आप लोगों ने इस वीडियो की रिलेट किया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।